The question is, prove that the curves y is equal to x square and x is equal to y square divide the square bounded by x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 1 and y is equal to 1 into 3 equal parts. हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो टू कर्व्स हैं ये इस स्क्वायर को, ये जो स्क्वायर बनेगा इन फोर लाइन से, उसे थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट तो सबसे पहले हमें इसकी जो फिगर है, एक रफ स्केच जो है हमें ड्रॉ करना होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस है वो क्या क्या हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x, मीन्स y इज इक्वल टू अंडर रूट x. ये टू इक्वेशंस हैं. ये दोनों जो है हमारे पास पैराबोला है. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये हमारे पास एक अपवर्ड पैराबोला है एंड y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x हमारे पास ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है. स्क्वायर के लिए हमें ये लाइंस गिवन है तो यहाँ से पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे, राइट और इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम फाइंड कर लेते हैं इन दोनों को सॉल्व करके. सॉल्विंग वन एंड टू, दोनों से हम वाई की इक्वेशन जो है, वाई की वैल्यू जो है इक्वेट कर देते हैं. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स इज टू पावर फोर इज इक्वल्स टू एक्स. आपको एक्स कैंसिल आउट नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे एक्स कॉमन, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल्स टू जीरो. इधर एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वन, मीन्स एक्स की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी. सो हमारे पास एक्स की टू वैल्यूज आ गई हैं, जीरो एंड वन. तो जब एक्स आपका जीरो होगा तो वहाँ पर हम वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो तो जीरो आएगा. तो एक पॉइंट तो हो गया जीरो जीरो. और अगर आप एक्स को वन पुट करते हो, वन पुट करेंगे तो यहाँ से y भी हमारे पास वन आ जाएगा. तो जो दूसरा पॉइंट है इंटरसेक्शन का वो भी हमारा वन कॉमा वन आ गया. ठीक है, तो दोनों पैराबोलास जो हैं वो जीरो जीरो एंड वन वन पर इंटरसेक्ट करेंगे. अब हम पहले बनाते हैं ये स्क्वायर. बहुत ही इजी दिया हुआ है ये स्क्वायर और यहाँ पर आप पॉइंट्स का गैप थोड़ा ज़्यादा लें जिससे कि हमें फिगर बनाने में आसानी रहे. सो एक्स इज इक्वल टू जीरो की लाइन हमारे पास ये वाई एक्सिस ही होगी. वाई इज इक्वल टू जीरो की लाइन एक्स एक्सिस है. एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन की लाइन जो है हमारी ये आएगी, राइट एंड वाई इज इक्वल टू वन ये लाइन हमारे पास ये आएगी. तो ये हमारे पास बनेगा एक स्क्वायर, राइट और इसका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो आया है, ये जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या बन जाएगा, वन कॉमा वन बनेगा, राइट तो अब देखो जो हमारे पैराबोलास हैं, एक राइट हैंडेड है, एक अपवर्ड है, तो वो भी हमारे पास इस वन कॉमा वन एंड जीरो कॉमा जीरो यानी कि ओरिजिन, इन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो पहले हम एक अपवर्ड पैराबोला जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारे पास हो गया वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जो राइट हैंडेड पैराबोला है ये हमारा ऐसे ड्रॉ होगा, मीन्स y इज इक्वल टू अंडर रूट x, राइट. तो अब यहाँ पर हमारे पास ये एरिया जो है, ये जो पूरा स्क्वायर है इन पैराबोलास के थ्रू थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट. हमें यहाँ पर थ्री पार्ट्स दिख रहे हैं इस स्क्वायर के, तो हमें इन तीनों का जो एरिया है वो प्रूव करना है कि ये इक्वल है, राइट. सो अब देखो हमें फाइंड करना है इन तीनों के एरियाज. जो फर्स्ट एरिया है ये एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, ये एरिया फाइंड करने के लिए हमें जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट्स हमारी x की रहेंगी. लेकिन जैसे अब ये एरिया है ये इस कर्व के अंडर आ रहा है, ये y इज इक्वल टू अंडर रूट x की जो कर्व है इसके अंडर आ रहा है, राइट तो इसे हम y एक्सिस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. लिमिट हमारी 0 से 1 रहेगी, 0 से 1 तक की लिमिट, और इस कर्व के अंडर जो एरिया है हम वो फाइंड करेंगे. तो एरिया ऑफ पार्ट वन, तो फर्स्ट पार्ट का जो एरिया है वो क्या रहेगा, 0 टू 1 इसकी लिमिट है. x ऑफ कौन सी कर्व आएगी हमारी, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स यानी कि सेकेंड कर्व, और विद रिस्पेक्ट टू ये चल रहा है हमारे पास y. सो 0 टू 1
यहाँ से हम अगर एक्स फाइंड करेंगे तो हमारा वाई स्क्वायर ही आएगा, ये वाई स्क्वायर डी वाई। इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई क्यूब बाई थ्री, 0 to 1, 1 पुट करेंगे तो 1/3, 0 पुट करने पर 0 आएगा, अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया, राइट। अब सेकंड पार्ट का एरिया फाइंड करना है हमें, तो सेकंड पार्ट के एरिया के लिए देखो, सेकंड पार्ट के एरिया के लिए अब यहाँ पर अपर माइनस लोअर, यहाँ पर हमारी यूज़ हो रही है अपर माइनस लोअर, मींस अपर कर्व में से लोअर कर्व जो है आपको माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो दूसरा एरिया है वो हमारे पास एरिया बिटवीन टू कर्व्स के अकॉर्डिंग है, राइट। सो इसमें लिमिट देखो 0 से 1 है, अपर कर्व जा रही है y इज इक्वल टू अंडर रूट x, y ऑफ 2 माइनस लोअर कर्व जा रही है हमारे y इज इक्वल टू एक्स को, यानी कि फर्स्ट y ऑफ फर्स्ट कर्व विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है हमारे पास ये। सो 0 to 1 y ऑफ लाइन 2 मीन्स अंडर रूट x माइनस y ऑफ लाइन 1, तो लाइन 1 में से हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो x की, यहाँ अंडर रूट x की इंटीग्रेशन हो जाएगी, x इज टू पावर 3/2, 2/3 माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री। इसमें हम लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, 1 पुट करेंगे तो 2/3 माइनस 1/3, और 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ का एरिया भी हमारे पास 1/3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, यानी कि टू एरियाज जो हैं वो तो हमारे पास इक्वल आ गए हैं। अब हमें फाइंड करना है थर्ड पार्ट का एरिया। तो थर्ड पार्ट का जो एरिया है वो हमारे पास किस कर्व के अंडर आ रहा है, वो हमारे पास वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो एरिया है ये इस कर्व के अंडर आ रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के कर्व के अंडर, और इसको x एक्सिस के अकॉर्डिंग ही करेंगे हम। 0 to 1 इसकी लिमिट रहेगी, एरिया अंडर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट 0 to 1 लिमिट थी y ऑफ फर्स्ट कर्व dx। सो 0 to 1 फर्स्ट कर्व से हमारे पास y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है dx, सो एक्स क्यूब बाई थ्री, और इसमें लिमिट पुट करनी है 0 to 1। तो पहले अपर लिमिट तो 1/3, लोअर लिमिट पुट करोगे तो 0। तो यहाँ का एरिया भी हमारे पास क्या आ गया, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमने ये नोटिस किया कि जो तीनों एरियाज हैं वो हमारे पास 1/3 के इक्वल ही आ गए हैं, राइट। देखो ये आपका फर्स्ट एरिया 1/3, सेकेंड एरिया भी 1/3 आया, और थर्ड एरिया भी हमारा 1/3 आ गया। तो यही प्रूव करना था कि जो टू पैराबोलास हैं वो स्क्वायर के एरिया को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। थैंक यू।